भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च को एक घोषणा किया कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगे। इस तरह अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सुश्री धामी को 2003 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2800 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उनको कितना है? 2800 से ज़्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। और धामी कई खोजों, बचाव और बाढ़ राहत कार्यों में शामिल रहे। उन्होंने पहले कई खोज और बचाव अभियानों के साथ साथ बाढ़ राहत कार्यों में भी हिस्सा लिया है। इस तरह ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। किसमें? भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली।